ये हमारा प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल 4.0। अब इसमें सबसे पहले हमने जो हमारी प्रोडक्ट है इनके सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल कंसीडर कर रहे होते हैं या फिर रीड कर रहे होते हैं। ये सेंसर हमारा मेटल सेंसर लगा हुआ है। हमारी जो प्रोडक्ट जा रही है उनमें अगर मेटल की कोई चीज आ रही है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने यहाँ से हिट करके वेस्टेज में डाल देनी है मेटल की चीज। अगर मेटल की नहीं है तो इसके बाद इसने प्रोडक्ट का कलर रीड करना है। यहाँ पर हमने कलर सेंसर यूज किया हुआ है और इसके बाद जैसे ही कलर सेंसर रीड हो जाएगा तो ये ग्रिपर के अंदर चला जाएगा और जैसे ही ग्रिपर के अंदर जाएगा तो यहाँ पर इसने थ्री हमारे पास स्लॉट है। सबसे पहले रेड है, इसके बाद ग्रीन है और इसके बाद ब्लू है। तो यहाँ पर इसने जिस कलर की हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उस स्लॉट में इसने फेंक देनी है। और इस सर्किट में हमने सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है 220 इन 12 वोल्ट आउट है। 12 एसी थी उसको डीसी करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है। इसके बाद 1000 वीएफ का फिल्टर कैपेसिटर है। इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर है 7805 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक इनपुट होती है और फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट होती है। इसकी आउटपुट पे एक एलईडी लगाई हुई है पावर इंडिकेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने एक अर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है D313 NPN ट्रांजिस्टर है। इसको स्विच करवाने के लिए हमने ऑप्टोकपलर ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है और ये हमारी कन्वेयर बेल्ट को रन करने के लिए रखा हुआ है। हमने एलईडी लगाई हुई है इंडिकेशन के लिए। जब हमारी कन्वेयर बेल्ट चल रही होगी तो उस कंडीशन के ऊपर एलईडी ऑन होगी और जैसे ही ये कलर रीड में जाएगा तो कन्वेयर बेल्ट स्टॉप कर देगा। अगर मेटल है किसी प्रोडक्ट के अंदर तो उस कंडीशन के ऊपर भी कन्वेयर बेल्ट स्टॉप करके इसने उस प्रोडक्ट को हिट करना है और यहाँ पर इसने वेस्टेज वाले बॉक्स में फेंक देना है। और यहाँ पर हमने डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर लगाया हुआ है। डीसी बक कन्वर्टर की इनपुट पे हमने 12 वोल्ट दिए हुए हैं। जो यहाँ से डीसी 12 वोल्ट हम आउटपुट ले रहे थे वो डीसी बक कन्वर्टर पे दिए हुए हैं और डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर की आउटपुट हमने 5 वोल्ट सेट किए हुए हैं। जो हमने 3 सर्वो मोटर यूज की हुई है MG996। तो यहाँ पर हमने ये 3 सर्वो मोटर यूज की हुई है MG996। ये हमने मेटल की प्रोडक्ट को हिट करने के लिए रखी हुई है और यहाँ पर हमने एक ग्रिपर के अंदर सर्वो मोटर यूज की हुई है और एक यहाँ पे बेस पे सर्वो मोटर यूज की हुई है। और यहाँ पर हमने 16x2 की LCD यूज की हुई है I2C मॉड्यूल के साथ। और इसमें हमने यहाँ पर रेड की कितनी प्रोडक्ट गुजर गई हुई है उसका काउंटर डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद ग्रीन का और इसके बाद ब्लू का। और यहाँ पर ऊपर जो प्रोडक्ट आएगी उसका करंट अगर रेड आई है तो उसको रेड डिस्प्ले कर देगा, अगर ग्रीन प्रोडक्ट आई है तो ग्रीन का डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम ये मेटल वाला रखते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारी ने रीड की, यहाँ पर सेंसर ने रीड किया है मेटल। तो इस प्रोडक्ट को जैसे ही ये इस कंडीशन के ऊपर जाती है तो इसने मेटल वाले वेस्टेज वाले में फेंक दिया हुआ है। अब हम दोबारा फिर अगर मेटल को भेजेंगे तो ये मेटल को रीड करेगा और यहाँ पर इसने वेस्टेज में फेंक देना है इसको। और अगर हम नॉन मेटल की प्रोडक्ट भेजेंगे यानी कि जैसे ये ब्लू कलर की है तो ये आगे जाने देगा और यहाँ पर कलर रीड होगा। कलर रीड होने के बाद यहाँ पर ऊपर LCD पे शो हो गया है ब्लू और ब्लू की काउंटर में एक वैल्यू ऐड होगी हुई है और यहाँ पर इसने इस प्रोडक्ट को ब्लू वाले स्लॉट में फेंक दिया हुआ है। अब इसी तरह ही अगर हम ग्रीन भेजेंगे तो यहाँ पर इसने ग्रीन रीड किया है और ग्रीन वाले स्लॉट के अंदर ये फेंक देगा। इसी तरह अगर हम रेड रखेंगे तो ये रेड का कलर रीड होगा, इसके बाद ये रेड वाले स्लॉट में फेंक देगा। और यहाँ पर हमारी तीनों प्रोडक्ट 1-1 होगी हुई हैं। और अगर हम दोबारा फिर पहले ग्रीन भेजेंगे इसके साथ ही अगर हम रेड भेज देते हैं और इसके बाद यहां से अगर हम ब्लू भेज देते हैं दोबारा तो सारी प्रोडक्ट हमारी 2-2 हो जाएंगी। और अगर हम यहाँ से अब मेटल वाली प्रोडक्ट भेजेंगे तो इसने मेटल को रीड करना है और हिट करके मेटल वाले वेस्टेज वाले बॉक्स में फेंक देंगे।